हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वींस स्पून किचन। मैं हूं संध्या और आज हम बनाएंगे गार्लिक चीज़ बन। वैसे गार्लिक ब्रेड तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज हम गार्लिक चीज़ बन बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं और उसको हम अच्छे से इस तरीके से मैश कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें अमूल बटर लेना है और उसमें हमें इन लहसुन की कलियों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और साथ ही मैंने ओरिगैनो भी इसमें मिक्स कर दिया है। एक अच्छा सा मैरिनेशन तैयार हो चुका है हमारा। अब हम लेंगे एक बन। मैंने यहाँ छोटे वाले बन लिए हैं और इसको बीच में से फोर पार्ट्स में हम कट कर लेंगे। हमें ये हाफ कट करना है, पूरा कट नहीं करना। इस तरीके से दूसरे बन को भी हम इसी तरीके से फोर पार्ट्स में कट कर लेंगे, ये देखिए। और अब जो हमने लहसुन और ओरिगैनो का जो बटर के साथ एक मैरिनेशन तैयार किया है, उसको हम एक ब्रश की हेल्प से इन बन में अच्छी तरीके से लगा देंगे, ताकि ये जो बटर और गार्लिक का जो टेस्ट है वो बन अच्छे से सोख ले। ये देखिए, हमने बन में अच्छे से मैरिनेशन लगा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा चीज़, जो मोज़रेला चीज़ आता है, जो क्यूब्स आते हैं मोज़रेला चीज़ के। मैं यहाँ वही यूज़ कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ के क्यूब्स को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और उसको हम अच्छे तरीके से जेनरस अमाउंट में इन बन में अच्छे तरीके से फिल कर देंगे। और ऊपर से मैं यहाँ डाल रही हूँ कुछ ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। और एक बार ऊपर से फिर से हल्का सा बटर और गार्लिक का मैरिनेशन लगा देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरे बन को भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ वही मैंने जो अमूल बटर और गार्लिक का जो मैरिनेशन तैयार किया है, वही मैं लगा रही हूँ इस दूसरे बन में भी। और फिर इसमें भी ढेर सारा मोज़रेला चीज़ फिल कर देंगे। सेम वही प्रोसेस हमें दोबारा से फॉलो करना है। चलिए, अब ये दोनों बन हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें बेक करेंगे। मैंने यहाँ एक कढ़ाई में एक कप नमक डाला है। जब भी हम गैस पर कढ़ाई में बेकिंग करते हैं तो उसमें हमें नमक ज़रूर डाल लेना चाहिए। नमक से जो है हीट अच्छे से प्रोड्यूस होती है और जो हमारा बेकिंग है वो बहुत अच्छे से होती है। तो देखिए, मैंने इस कढ़ाई में नमक डालकर इसको 10 मिनट के लिए लगभग प्री हीट करने के लिए रखा था। अब मैंने यहाँ ये इसमें बन रख दिया है और इसको हम ढक कर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे। और ये देखिए, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी बन जो है वो एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। कढ़ाई से बन को निकाल लेंगे एक प्लेट पे। ये देखिए कितनी चीज़ी, कितनी टेस्टी लग रही है हमारी गार्लिक चीज़ बन। गार्लिक ब्रेड तो आपने बहुत बार खाई होगी, एक बार इस तरीके से गार्लिक चीज़ बन बनाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली रेसिपी में।